हम आ गए हैं आज का क्या सुबह का ब्रेकफास्ट लेके। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी एंड टेस्टी और पौष्टिक से भरा एक ब्रेकफास्ट। तो चलिए, क्या क्या हम करते हैं और क्या होता है इस ब्रेकफास्ट में, और आप भी ये ट्राई कीजिए और अपने फैमिली को भी इस गर्मी के मौसम में ठीक रखिए और ये ट्राई कीजिए। चलिए, तो पहले बना लूंगी तरबूज। मुझे थोड़ा तरबूज का एक पार्ट चाहिए। हाँ जरूरत है। ठीक है, तो चलिए तरबूज बना लेती हूँ। और साथ में है फ्रूट्स, अंगूर, अंगूर ग्रेप्स, का अंगूर भी बना लूंगी। तो चलिए अंगूर और ब्लैक तर ग्रेप्स या बेरीज, अंगूर को ब्लैक ऐसे बेरीज। तोड़ तोड़ के बना लूंगी। और बोला तो दोस्तों अंगूर बना के फिर आती हूँ। तो दोस्तों चली आई हूँ किचन में, और किचन का एनवायरनमेंट 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 अच्छा रखने के लिए गर्मी में सबुज पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कढ़ाई बिठा दिया है। कढ़ाई के अंदर क्या क्या दूंगी वो आप देखते रहिए ध्यान से। तो हरे भरे किचन में चली आई हूँ एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले दे देती हूँ घी, इसमें सूजी। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सूजी बहुत पसंद है, तो आज उन लोगों के लिए मेरे रसोई में बन रहा है सूजी, वो भी हेल्दी वाला। तो हेल्दी वाला सूजी बनाने के लिए मैंने जो जो लिया है वो पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और फिर बनाते हुए शेयर करूंगी। तो सूजी को धीमी आंच पे मैंने भून लिया है, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं, मीडियम करके मैंने सूजी को भून लिया है। मेरे पास है एकदम मिल्क, क्या बोलते हैं, तो मैंने ले लिया है एकदम क्रीम वाला मिल्क। हाँ क्रीम मिल्क। तो चलिए अभी इसको थोड़ा तो मिल्क दे दिया, थोड़ा सा पानी दे दिया। अभी इसके अंदर क्या क्या दूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बादाम को थोड़ा सा भून लूंगी घी से आँच पे। तो यहाँ पर ले लिया है तरबूज, अंगूर, खजूर। तो मेरे पास है तो पोटीन पोटीन जो बादाम मैंने बना के रखा था वही दे दिया है, और देखिए गैस बंद कर दिया है। ठीक है, यावर वावर का जो मार खा भी। तो यहाँ पर है खेजूर गुड़ जो स्वादिष्ट बढ़ा देगा, तो मैंने खेजूर का गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो आप ऐसे गुड़ चीनी जो भी हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो फ्रूट्स मैंने बनाया था वो दे देती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर कलरफुल लग रहा है। तो फ्रूट देके ज़्यादा पकाना नहीं है। ठीक है, सूजी पक गया था। ठीक है, थोड़ा सा भजी हुई ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ।
तो ड्राई फ्रूट्स देने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा बटर, क्योंकि बटर का सुगंध फ्रूट्स को और भी एनहांस कर देगा। हाँ, तो चलिए अभी तो देखिए ज़्यादा मिठाई नहीं दिया है, तो आपको ज़्यादा मिठाई पसंद है तो आप ऐसे खाएं। मुझे ज़्यादा मिठाई मेरा बेटा को और मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में मिठाई है। और एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, आपके पास केला है तो वो देना, ठीक है। केले से इसका मीठापन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया सुबह सुबह एक प्यारा सा नाश्ता। तो बन गया है अच्छा वाला सूजी, जो आप लोगों को गर्मी में आरामदायक होगा शरीर के लिए। तो चलिए अभी इसको परोसते हैं बेटे के लिए। तो परोसने से आप बादाम को था, तो बेटे के लिए परोस दिया है और इसमें बादाम ऊपर देना है सुंदर करके, अच्छा करके डिश को आप परोसोगे तो बच्चे लोग खाने में बहुत ही चाव चाव से खाएंगे और चाव भी दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप दे सकते हैं हर्षी श्रम। चलिए बेटे को दे देते हैं और वो खा के बताए। तो बेटे को दे दिया है सुबह का नाश्ता, तो खा के बताए। अच्छा भाई, अभी इसको ट्राई कीजिए। मीठा काम हुआ है लेकिन अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, और फ्रूट्स भी खाना है, अच्छा है ना। केला देने से अच्छा लगता है और थोड़ा ना। तो चलिए आप लोगों को बता देती हूँ, केला जरूर दे के खाना, लेकिन ओ हो मिठाई कम कैसे होगा बोलिए। ये तो 80 ग्राम में भी मिठाई है। खजूर में भी भरपूर मात्रा में शुगर है, तो और क्या चाहिए। चलिए खा लेती हूँ सुबह का नाश्ता।